उज्जैन के दानी गेट क्षेत्र में प्राचीन माता मंदिर मुक्तेश्वरी के आशीर्वाद से सतत लावारिस लाशों का दाह संस्कार विधि विधान के साथ समाज सेवी करते आ रहे हैं। उज्जैन के बिलोटीपुरा के दानी गेट क्षेत्र में बड़ा ही प्राचीन माता रानी का मंदिर है। माँ मुक्तेश्वरी जहाँ पर प्रतिदिन सुबह शाम माता रानी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही माता रानी की आराधना की जाती है। माता रानी के आशीर्वाद से ही समाज सेवी अनिल डागर पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा समय से उज्जैन ज़िले में कहीं पर भी अगर लावारिस लाश मिलती है या सूचना प्राप्त होती है तो आप हेल्पलाइन के माध्यम से पहुंचते हैं और रीति रिवाज के साथ ही उस मृतक का दाह संस्कार करते हैं और लेह लद्दाख सहित वर्ष में एक बार जाकर मृत आत्माओं की शांति के लिए तर्पण और पूजा अर्चना करते हैं। समाज सेवी अनिल डागर का कहना है कि जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं पर माता रानी के प्रति भक्ति कम नहीं हुई है। अटूट आस्था और अटूट विश्वास के साथ माता रानी की भक्ति करते हैं, साथ ही हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। उज्जैन से संवाददाता वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो उज्जैन शहर की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम जाना जाता है समाज सेवा में, अपितु जीवन में कई उतार चढ़ाव संघर्ष भी देखने के बाद में माता रानी के परम और अनन्य भक्त हैं अनिल जी डागर। अनिल जी डागर एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जो उज्जैन ज़िले में कहीं भी अगर सूचना मिलती है कि लावारिस लाश हो या मृतक व्यक्ति का शव कहीं पर पड़ा हुआ है तो जहां प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं तो वहीं अनिल डागर जी जो समाज सेवा के रूप में पहचाने जाते हैं और जाने जाते हैं वह भी पहुँचते हैं और विधि विधान के साथ में उस शव का अंतिम संस्कार करते हैं। विगत कई वर्षों से सतत और निरंतर आप यह कार्य करते चले आ रहे हैं, साथ ही माता रानी की शक्ति कहें कृपा कहें कि किस प्रकार से वह यह काम करते हैं और किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं समाज सेवी अनिल जी डागर। भाई साहब, वॉइस ऑफ राइट पर आपका स्वागत है। भाई साहब बताइए, काफ़ी वर्षों से आप इस प्रकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से आपको यह शक्ति आती है और क्या रहता है? माता के आशीर्वाद से माता का मंदिर चेतन है। पहले हम लोग बाहर बिठाते थे और उसके बाद हमने 22-23 साल तक माता का स्थापना बाहर करी। उसके बाद अचानक एक जरा सी इतनी सी बच्ची के ऊपर बच्ची के रूप में इनने दर्शन दिए, बोला बेटा मैं तो कब से आ गई हूँ, मेरा मंदिर बनाओ। तब से मंदिर माता का बना और इसके आशीर्वाद से मैं शहर की लाशें उठाता हूँ। अभी कोविड की लाशें मैंने खूब लाशें उठाई मैंने, और मेरा इतना इष्ट मजबूत है इस माता का, इतनी चमत्कारी माता है कि मेरे को कोविड वगैरह कोई बीमारी भी आज तक नहीं हुई और आज भी 22,000 लाशें मैंने अभी तक उठाई है और ये इतनी चेतन है। और 3 बजे रात को मैं इनके उठ की पूजा करता हूँ और जो भी भक्त आते हैं नवरात्रि में या कहीं से भी दूर दूर से भक्त आते हैं तो कोई खाली नहीं जाता, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। अनिल जी ये बताइए, किस प्रकार से जो है माता की शक्ति माता की भक्ति करने के बाद में भक्त अपने घर में परिवार में या दैनिक जीवन के अंदर सुखी रह सकता है, समृद्धि रह सकता है और किस प्रकार से माता की जो है महिमा का जो आपने देखा है और माता रानी की कृपा क्या कह रही है, किस प्रकार से क्या रखा है? माता का ये है कि कोई सा भी अगर आप भगवान पे विश्वास रखेंगे सब सारा दुख सुख सब भगवान माता पे छोड़ देंगे तो वो सब पूर्ण करती है। पर विश्वास आदमी का विश्वास और कायम रहना चाहिए देवी देवता पे। ऐसा ही मेरा विश्वास है, मेरे पे भी बहुत सारी परेशानियां आई जिसका मैंने सामना किया है, मेरे परिवार के लोग भी मैंने खोए हैं, लेकिन मेरे को विश्वास था मेरी माता पे तो मैं आज वापस आपके सामने खड़ा हूँ और समाज की सेवा कर रहा हूँ। तो अनिल जी ये बताइए, ये जो मंदिर है करीब कितना पुराना होगा और मंदिर पुराने के साथ साथ अगर बात करें तो किस प्रकार से आपके मन में ख्याल आया कि आपने क्षेत्र चुना के माता रानी की सेवा किया है, भक्ति के माध्यम से लोगों को माता रानी की भक्ति की ओर अग्रसर किया जाए, साथ ही इतना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जहाँ शवों को छत विछेद या तीर्थ है वहाँ पर भी जाते हैं, किस प्रकार से क्या रहता है? अभी वर्तमान में मेरी इस साल की 330 लाश है और इनकी आत्मा शांति के लिए मैं पहले जाता हूँ अमरनाथ हिमाचल और अमरनाथ की अमरावती में तर्पण करता हूँ, फिर हिमाचल की सारी देवियों के दर्शन करता हूँ वहाँ पर तर्पण करता हूँ और हिमाचल में एक कांगड़ा माता का स्थान है वहाँ कर तर्पण करता हूँ, उसके बाद एक लेह लद्दाख की सिंध नदी में तर्पण करता हूँ। मेरा ये 22-23 साल से मैं इनकी आत्मा शांति के लिए मैं यात्रा करता हूँ। तो देखा किस प्रकार से जो है उज्जैन शहर की शख्सियत अनिल जी डागर ने बताया कि वह जो सारा जो काम करते हैं लोगों की मदद करते हैं और माता रानी की आशीर्वाद और कृपा से करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।